अच्छा दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो मैं हूँ हर्षित, आपको बताने वाला हूँ कि कुछ नए रेडमी के जो दो नए फ़ोन लॉन्च हुए हैं उनके बारे में। तो यूसुफ भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए आज का होस्ट मैं आपके लिए हूँ। तो हम जान लेते हैं, रेडमी ने दो नए फ़ोन लॉन्च किए हैं जो कि बहुत ही किलर फ़ोन है सेल्फी वाले, जिनका नाम है, एक है रेडमी Y1 और दूसरा है रेडमी Y1 Lite। तो अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें प्रोसेसर आपको दो, एक Y1 Lite में कॉलकॉम का 425 और Y1 Lite जो सिंपल Y1 है उसमें कॉलकॉम का 435 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है Y1 में, और Y1 Lite में क्वाड कोर का। दोनों में मेन डिफरेंस इसका प्रोसेसर का और इंटरनल मेमोरी का है। तो आप देख सकते हैं, रैम अगर लाइट की बात करें तो 2 GB मिलेगी, और वहीं Y1 में जो आपका सिंपल है उसमें 3 GB और 4 GB रैम मिल जाएगी। रोम की बात करें तो 16 GB इसमें इंटरनल मिलती है Y1 Lite में, और Y1 में 32 GB और 64 GB का आपको ऑप्शन मिलेगा जैसे आपको मिलता है। और SD कार्ड आपको 128 GB तक सपोर्ट हो सकता है। और ख़ास बात यह है कि आपको इसमें 5.5 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बात करें फ्रंट कैमरा की, तो इसमें फ्रंट कैमरा 5 MP का है। वहीं आप देखेंगे कि Y1 जो आपका आता है वो 16 MP का सेल्फी वाला कैमरा है, जो बहुत ही ख़तरनाक कैमरा मुझे लग रहा है कि आपको परफॉर्मेंस दे पाएगा। और रेयर दोनों में 13 मेगापिक्सल का दोनों में एक ही कैमरा है। और यहाँ आपको डुअल सिम और डुअल स्टैंडबाय मिल जाता है। तो इसमें एक बार नया फीचर रेडमी ने अच्छा फीचर ऐड किया है कि आपको अब दो सिम और एक मेमोरी कार्ड सब साथ में लगा सकते हैं। तो Y1 Lite में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, लेकिन जो Y1 सिंपल है उसमें आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा। तो बैटरी की बात करें तो 3080 mAh की बैटरी है, दोनों में सेम बैटरी या पावर आपको मिलती है। प्राइस आपको उसका 6999 का 2 GB वाला जो Y1 Lite है उसका 6999 में आपको मिल जाता है। वहीं पे आपको जो Y1 है वो किलर प्राइस है उसका 8999 जो 3 GB और 32 GB के लिए है। तो बहुत ही किलर फ़ोन है ये Y1, जो आपके सेल्फी यूज़र्स के लिए बहुत ही अच्छा बना गया है। तो अब ये आपकी अवेलेबिलिटी भी, आपको इसको 8 नवंबर से ही आपको मिलना चालू हो जाएगा। Amazon एक्सक्लूसिव होगा, और कई जो ऑफलाइन स्टोर है रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, वहाँ पे भी आपको ये मिल पाएगा, मी स्टोर वहाँ पे भी, और mi.com पे भी इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं। तो इस बार एंडोर्समेंट के लिए इनकी पार्टनर बनी है कैटरीना कैफ। तो इस बार आप देख सकते हैं कि इनके एंड्रॉस कैटरीना कैफ ने किया है। तो Y1 Lite में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, और Y1 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर देखा जाए तो बहुत ही भयंकर फ़ोन है सेल्फी एक्सपर्ट्स के लिए, जो सेल्फी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं Y1। तो इसके साथ साथ MIUI 9 का भी ग्लोबल स्टेबल अपडेट आपको मिलना शुरू हो जाएगा कल से। तो उसकी बात कर लूँ तो कल आपको Redmi Note 4 और Mi Max 2 के लिए कल से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सेकंड बैच में आपको Mi Max 2 और Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi 4X, Mi 5, Mi Max में आपको नवंबर के मिड से मिलेगा, और जो बाकी के बचे हुए फ़ोन हैं वो स्टार्टिंग दिसंबर में सबको मिल जाएगा। तो इस बार मी ने वादा किया है कि हम अपने पुराने से पुराने फ़ोन में भी, 2013 के फ़ोन में भी अपडेट ज़रूर लेके आएंगे MIUI 9 की। तो बस यही दो फ़ोन और MIUI 9 का कुछ नए फीचर्स जो आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको Xiaomi ने आज लॉन्च किया था अपने इवेंट में। तो मुझे आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको Redmi Y1 लेना है तो आप mi.com या Amazon से ले सकते हैं, वो भी 8 तारीख को एक्सक्लूसिव 12 बजे सेल इसकी स्टार्ट होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप बिना ना जाइएगा। और यूसुफ भाई कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्दी आपके सामने होंगे, तो प्रे फ्रॉम हिम कि जल्दी से वो बीमारी से उठ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।